टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि इस समय रात के करीब 12 बज रहे हैं और विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान वो मुमरा की सड़कों पर उतरे हैं। दरअसल मसला ये है कि पानी की काफ़ी मुमरा शहर में किल्लत है और यहाँ पर जो पानी की पाइपलाइनें हैं वो काफ़ी जो है लीकेज है, जगह जगह से पानी यहाँ पर बह रहा है। एक बात और आपको यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि कुछ ही दिन पहले यहाँ पर रोड का जो है डामरीकरण किया गया था। डामरीकरण करने के 3 से 4 दिन गुजर जाने के बाद यहाँ पाइपलाइन डालने के लिए इस डामरीकरण को दोबारा जो है यहाँ पर खुदाई कर दी गई। और आपको बताएं ये जो पाइप यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पाइप भी पूरी तरह से जंग लगा हुआ है। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये पुराना पाइप लाकर यहाँ पर रखा गया है और विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान आज पानी की किल्लत को लेकर जो जगह जगह पर यहाँ पर लीकेज है उसको लेकर यहाँ रात 12 बजे से ही यहाँ पर मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। आप रात 12 बजे से ही यहाँ पर मौजूद हैं, पानी की लीकेज है और जिस तरह से ये डामरीकरण किया गया था फिर इसकी खुदाई कर दी गई, पानी की जो पाइपलाइन रखी गई है ये भी जो है काफ़ी पुराना दिखाई दे रहा है, जंग लगा हुआ है, क्या कहेंगे आप? जी ऐसा है कि 2 महीने पहले मैंने पानी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को राउंड कराया था। पहली बात तो पानी का प्रेशर कम क्यों है और पानी क्यों नहीं मिल रहा है, पानी कई जगहों पर आ रहा नहीं है। अब ये लाइन MIDC से ज्वाइंट होती है, क्या कारण है पानी का अधिकारी ढूंढ ही नहीं पा रहे। हम लोगों ने सभी ने मिलकर नगर सेवक भी मेरे साथ हमने ढूंढा, जब उनके निदर्शन में लाए उनके ध्यान में लाए कि 7 जगह पानी झरने की तरह लीकेज है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कल से काम शुरू करें, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। उसके बाद आयुक्त महोदय के साथ मीटिंग हुई, अर्जुन एरे साहब राय सिंह जी को मैंने उनको यहाँ पे सर्वे कराया और क्या बोलते वागुले जी सालूम के साथ उनको सर्वे कराया। उसके बाद आयुक्त महोदय के साथ मीटिंग हुई, फिर उसके बाद सभी नगर सेवक गए, इस सभी समस्या के बाद कल होगा फिर नहीं हुआ। उसके बाद फरदाना शाकिर मैडम मर्जिया पठान ने वहाँ आंदोलन की और नागरिकों को बड़ा पानी नहीं आ रहा, इसका इफेक्ट पूरे मुमरा कोसा में होता है, प्रेशर के जरिए पूरे मुमरा कोसा में। उनको लेटर दिया गया 6 दिसंबर को कि आपका पानी का पाइप का काम शुरू करके तुरंत काम शुरू किया। देखा आप देख रहे होंगे रीमॉडलिंग का पाइप, पानी कैसा पाइप डाला, ये 238 करोड़ की रीमॉडलिंग का काम, क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं? ये तरीके का काम है आपके निदर्शन में लाने के बाद, लेटर में डालने के बाद, शिकायत करने के बाद ये परिस्थिति? इस महासभा के ऊपर इसी बातों को लेकर हंगामा हुआ। महापौर महोदय ने कहा मैंने रूलिंग दे चुका हूँ, उनके रूलिंग के बावजूद काम नहीं हो रहा है, तो फिर नागरिकों का कैसे काम होता होगा, ये प्रश्न उपस्थित है। तो आज इसलिए मीडिया के माध्यम से मैंने आयुक्त महोदय और थानेकर को दिखाया कि अगर ये चीज़ों के ऊपर महासभा में गंभीरता से जवाब नहीं दिया गया और समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो इस बार भी हाउस में ऐसा ही हंगामा। आपको क्या लग रहा है कि किसकी इसमें लापरवाही है, महानगर पालिका की या कॉन्ट्रैक्टर की? प्रशासन, प्रशासन का कर्तव्य है कॉन्ट्रैक्टर से काम कराना, प्रशासन का। आखिर क्यों नहीं काम करा पा रहा है प्रशासन? फेलियर है ना, फेलियर है। मैं आपको बोल रहा हूँ लिखित में पत्र देने के बाद, मीटिंगें करने के बाद, इतने नगर सेवक बोलने के महापौर रूलिंग दे रहे, अर्जेंट में तत्कालीन काम करा तभी नहीं हो रही है। शौचालय मुमरा दीवा कलवा थाना, इस शौचालय में शौचालय तोड़े जा रहे हैं, शौचालय के तोड़ने को छोड़ दो, एक महिला की एक्सीडेंट में जान भी चली। सर जी तोड़ने को छोड़ दो, ये शौचालय है अभी, इसमें कौन जा सकता है जाके बताए, कोई अधिकारी, कौन सा अधिकारी जाके बताएगा मुझे? ये मैं मुमरा के नहीं दिखा रहा हूँ, ये मुमरा के भी है, थाना के भी है, कलवा के भी है, सब था शौचालय, सब शौचालय में, बस सब मेरे पास 450 फुट हुए शौचालय, कितने 450 पूरे थाने के, मतलब 450 फुट, मतलब ऐसा नहीं है कि वो थाने महानगर पालिका के शौचालय, कई चालियों में खुद बनाए हुए भी शौचालय, लेकिन वो महापालिका कहीं ना कहीं वक्त में सफाई करती थी, वो भी सफाई यहाँ बन गई। महापालिका के तो कम जितने शौचालय जो मेरे ख्याल से संख्या में होंगे वो भी, वो तो पूरे गए, MMRDA के शौचालय वो पूरे गए, लेकिन 450 फुट हुए मेरे पास। ऐसा माना जा रहा है कि आप विरोधी पक्ष नेता हैं लेकिन आप काम भी नहीं करवा पा रहे, फिर ये सवाल उठ रहा है। मेरी बात आप समझ ही नहीं रहे, महापौर और महासभा प्रथम
प्रथम समझते फाइनल आंदोलन तो बार बार हो रहा है लेकिन फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? आप आवाज उठा रहे हैं आपने लेकिन काम आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए हाउस के अंदर क्या हुआ, देखिए आपने आपने देखे नहीं, आपने वो डाला ही नहीं, आप डालिए हाउस के अंदर क्या हो रहा है तब आपको मालूम पड़ेगा किस तरीके से लड़ना पड़ता है। देखिए काम तो कराएंगे और लड़के कराएंगे और आंदोलन करके कराएंगे लेकिन करा के रहेंगे क्योंकि नागरिकों का मामला है सहन करने वाली। मनपा अधिकारी का ये देखा जाता है डामरीकरण हुआ यहाँ पर और उसे खोद दिया गया ये और नितिन मोरे जहाँ से होता है वहाँ से डिवाइडर बना दिया जाता है। कौसा कब्रस्तान के पास देखो रोड उस तरफ चला गया है, आधा रोड इस तरफ आ गया है, उसकी वजह से और ट्रैफिक जाम हो रही है। एकदम मन की मौजी काम हो रही है, जहाँ डिवाइडर बना दिए कहीं पाए गटर खोद दिए कहीं पाए नाला बना दिए, किसी की कोई रूल उसका है या इसे बस जो आया दिन में वहीं बना दिए। ये नितिन मोरे करके एक सामाजिक कार्यकर्ता है यहाँ पे शंकर मंदिर, उन्होंने जब निदर्शन में लाया मैंने उनको मुझे भी दिखा तब मुझे ये निदर्शन में आया। लेकिन अधिकारियों को खुद समझना चाहिए, अधिकारियों को खुद समझना चाहिए ये परिस्थिति। आप तुम सोचो दो महीने से लाखों लीटर पानी बहाए, 100 लीटर पानी हम लोग 11 रुपये में खरीदते, तो आप सोचिए दो महीने में कितना लाखों रुपया हमारा टैक्सपेयर का धारा गया होगा। अधिकारी आपके साथ में घूमते रहते हैं, काम तो करवाना चाहिए ना अधिकारी। यही तो बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ ना कि अधिकारी प्रशासन की जिम्मेदारी कर्तव्य काम कराना, अब वो काम नहीं करा पा रहे तो नागरिक कैसे करेगा मुझे समझ में नहीं आया। तो आपने सुना कि जिस तरह से विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान ने बताया कि ये प्रशासन पूरी तरह से जो है फेल है और जिस तरह से मुंब्रा शहर में पानी की समस्या है, लीकेज है, हज़ारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, तस्वीरों में आपने आपको दिखाया और इसी तरह से आप देखेंगे कि ये शंकर मंदिर इलाके का नाका है, यहाँ पर ये डामरीकरण किया गया और डामरीकरण होने के बाद जो है इसे दोबारा खोद दिया गया, यानी कि फिर जो टैक्स का पैसा है वो खुलेआम बर्बाद किया जा रहा है, जनता का पैसा है वो बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि काम नहीं हो रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा है, प्रशासन फेल। कैमरा मैन नीलेश कनौजिया के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।